वेलकम इन्वेस्टर्स, अनविल स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ट्रेड से पहले करेंगे ट्रेड का सेटअप और जानेंगे स्ट्रेटेजी के बारे में, साथ ही कैलकुलेट करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का डेट है 4 जुलाई 2021 और आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम अल्केम्स लेबोरेटरीज के स्टॉक को टेक्निकली एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं, ये अल्केम लेबोरेटरीज का डेली चार्ट है और डेली चार्ट पे ये जो येलो कलर का एरिया है ये एक रेजिस्टेंस है और उसी के साथ यहाँ पे जो आपको ब्लू कलर का एरिया दिख रहा है ये एक सपोर्ट जो है वो यहाँ पर हमने ड्रॉ किया हुआ है। उसी के साथ आपको ब्लू कलर के रेक्टेंगल भी दिख रहे हैं, ये डेली डिमांड जोन है, और उसी के साथ जो रेड कलर का रेक्टेंगल दिख रहा है ये एक डेली सप्लाई है। तो आपने देखा होगा कि प्राइस जब यहाँ से अपसाइड रैली की तो 3213 पे आने के बाद ये रेजिस्टेंस के चलते प्राइस करेक्ट हुआ और नीचे आया, फिर से प्राइस ने अपसाइड जर्नी करने की स्टार्ट की। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैटर्न भी बना हुआ है, एक डब्ल्यू के पैटर्न का, ब्रेकआउट अपसाइड नहीं हुआ क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो था वो इंटैक्ट हुआ और प्राइस फिर से करेक्ट होके एक नीचे आया। नीचे कहाँ पर आया, ये जो एक एरिया है सपोर्ट एरिया जिसे हम कहेंगे, और उसी के साथ यहाँ पे क्या था, एक डेली डिमांड जोन। ये डेली डिमांड जोन प्ले आउट हुआ और प्ले आउट होने के बाद फिर से अगर आप देखेंगे कि अगर आपकी एंट्री लगभग 3014-3020 रुपीस के आसपास होती तो ये जितना भी अप डाउन हुआ है फिर भी उसके चलते मिनिमम जो है आपको आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई देता। और वहीं से आप देख सकते कि प्राइस यहां से अप गया और फिर से लो बनाते हुए प्राइस ने यहां पे एक अपट्रेंड इस्टेब्लिश किया। बट उसी के साथ ये जो रेजिस्टेंस है, जो येलो कलर का एरिया है, उसी के साथ आप देख पा रहे हैं 3258 से लेके तो 3238 का एक सप्लाई है। और इस सप्लाई में प्राइस आने के बाद जैसे कि हमने देखा ये सप्लाई प्ले आउट हुआ और प्राइस फिर से ये जो अपट्रेंड था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, ये अपट्रेंड ब्रेक हुआ एंड प्राइस फिर से डाउनसाइड ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसको बाय करने का, अगर बाय करना है या स्विंग ट्रेडिंग हमें इनिशिएट करना है तो उसका जो सबसे अच्छा जो एरिया है वो ये है 3100 से लेके तो 3090 रुपीज़ का ये जो एक डेली डिमांड जोन है ये बहुत ही अच्छा एक सेफ जोन है। अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में प्राइस लगभग करेक्ट होके यहाँ तक आता है 3100 के आसपास तो आप इसे बाय कर सकते हैं 3100 पे, और ये स्विंग ट्रेडिंग का इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट है वो है 3200 का। एकदम सिंपल सा ये टेक्निकल एनालिसिस है। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।